Hello physios, welcome back my channel. I am Neha, you are watching Believe in Therapy. So today we are learn about for short wave diathermy. Short wave diathermy समझ लेते हैं क्या होता है. जैसे कि इसमें लिखा है short wave diathermy means SWD. जो diathermy का means होता है, dia means throw and thermy means heat. Heat का सप्लाई होना, हीट पेनिट्रेट करना हमारी स्किन में. जो डायथर्मी वर्ड था वो ग्रीक वर्ड है, उसका मीन्स होता है थ्रो हीट. जो डायथर्मी SWD होती है उसमें जो हमारी वेव प्रोड्यूस होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जो हमारे टिश्यूज में फिजियोलॉजिकल चेंजेस दिखा. जो SWD है उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी होती है. हाई फ्रिक्वेंसी से डीप टिश्यू को पेनिट्रेट करती है, हीट प्रोवाइड करती है. इसमें जो बहुत सारी मॉडलिटीज़ होती हैं हीट के लिए, जैसे कि हमारा हो गया हॉट पैक हो गया, पैराफिन बैक शॉट हो गया हमारे, और बहुत सारी ऐसी मॉडलिटीज़ हैं जिनसे हीट प्रोवाइड होती है. बट हम SWD का ही क्यों यूज़ करते हैं हम ये समझ लेते हैं. जो SWD हमारी होती है उसका जो फ्रिक्वेंसी होती है बहुत हाई फ्रिक्वेंसी होने की वजह से इसको हम जो फ्रिक्वेंसी है वो 27.12 मेगा हर्ट्ज होती है. जो अभी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में अल्ट्रासाउंड डिस्कस किया था तो अल्ट्रासाउंड की जो फ्रिक्वेंसी थी वो थी 1-3 मेगा हर्ट्ज. बट यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी है वो 27.12 मेगा हर्ट्ज. मीन समझ सकते हो आप कितनी हाई फ्रिक्वेंसी है, कितने हाई फ्रिक्वेंसी से हमारे टिश्यू को हीट देती है. ये SWD होती है जो हम ज़्यादातर ब्रॉड एरिया के लिए यूज़ करते हैं. SWD को 20th century में क्लिनिकली यूज़ में लाया गया था. जो इसकी जैसे कि इसमें देख सकते हैं कि जो SWD है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो इतना हाई फ्रिक्वेंसी है बट फिर भी इसको हम शॉर्ट वेव बोलते हैं. शॉर्ट वेव क्यों बोलते हैं इतनी हाई फ्रिक्वेंसी होने के बाद? तो इसकी जो वेव लेंथ होती है वो बहुत कम होती है. वेव लेंथ होती है वो हमारी SWD की ओनली 11 एमएम होती है. वेव लेंथ कम होने की वजह से इसको हम शॉर्ट वेव बोलते हैं. तो हम ये समझेंगे जो हीट होती है, जैसे कि हीट तो हमें हॉट पैक से भी मिल रही है, सुपरफिशियली हीट पैराफिन बैग से बहुत है, डीप मल्टी बहुत सारी है जो हमारी स्किन सबक्यूटेनियस टिश्यू को हीट प्रोवाइड करती है. पर हम यहाँ पे जितना ज़्यादा ब्रॉड एरिया होगा उस ब्रॉड एरिया की वजह से हम यहाँ पे शॉर्ट वेव डायथर्मी का यूज़ करते हैं. अब हम इस तरह से फ्रिक्वेंसी मतलब क्या होता है, जैसे कि हम जो फ्रिक्वेंसी जो भी करेंट सप्लाई हो रही है बॉडी में वो एक बार में कितनी इम्पल्स ऑसिलेट हो रही है. मीन्स एक बार में 27 इंपल्स जो हमारी SWD होती है, SWD की जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है दो मोड में होता है. एक दो मोड होते हैं, एक हमारा होता है कंटिन्यूस मोड और एक हमारा होता है पल्स मोड. तो कंटिन्यूसली में क्या होता है, जो हीट प्रोवाइड होती है वो कंटिन्यूटी हमारे टिश्यू को हीट देते हैं SWC से. और पल्स मोड क्या होता है, पल्स मोड में जो हीट होती है वो ऑन ऑफ करके मीन्स थोड़ा सा हम हीट प्रोड्यूस करेंगे, इंक्रीज करेंगे, उसके बाद हम ऑफ कर देंगे, फिर उसके बाद फिर से ऑन कर देंगे, फिर से ऑफ कर देंगे. तो इस मोड में हम हीट प्रोवाइड करते हैं. इस मोड में इसलिए हीट प्रोवाइड करते हैं कि हमारे जो टिश्यूज है वो बहुत ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करके बहुत ज़्यादा वार्म्थ ना हो जाए, हीट ज़्यादा ही उनमें टिश्यूज तक ना पहुँच जाए, जैसे कि हमारे टिश्यू है वो डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं. तो हमारा इंट्रोडक्शन था SWD के बारे में कि SWD सबसे पहले इसका मतलब क्या हो गया, क्यों हम इसे यूज़ करते हैं, इसकी क्या फ्रिक्वेंसी है, क्या वेवलेंथ है.
नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ SWD। SWD मशीन का प्रोडक्शन मतलब उसमें हीट का प्रोडक्शन कैसे होता है, हीट जनरेट कैसे होती है, ये देख लेते हैं। इसके सारे प्रोसेस क्या क्या है ये हम देख लेते हैं। तो ये हमारा हो गया प्राइमरी कॉइल्स, हो गया ये सेकेंडरी कॉइल्स, हो गए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ये हमारा फिलामेंट्स है, ग्रिड है, प्लेट एनोड है एंड ट्रायोड वॉल्व है, कैपेसिटर्स है, पेशेंट सर्किट है, ऑसिलेटर सर्किट है। तो इनका काम क्या होता है ये देख लेते हैं। जब भी हम जैसे स्विच को हमने ऑन किया तो हीट जो हमारी जो करंट है वो फ्लो करने लगता। जो करंट होता है वो 220 वोल्ट का करंट होता है। जो हमारी प्राइमरी कॉइल है सेकेंडरी कॉइल, तो प्राइमरी कॉइल होते हैं उनका नंबर होता है वो ज़्यादा होता है, सेकेंडरी कॉइल का नंबर होता है वो कम होता है। तो जो सेकेंड हमारी जो हीट होगी 220 वोल्ट की हीट आएगी यहाँ से, और यहाँ पे दोनों जो हीट का होता है यहाँ पे मतलब इंड्यूस्ड होने लगते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से हीट इंड्यूस होगी, तो यहाँ पे आके हमारे सेकेंडरी कॉइल से हीट जो होगी वहाँ पे 20 वोल्ट बचती है, और यहाँ की इंड्यूस होने की वजह से यहाँ पे पहले से 4000 वोल्ट की हीट है और यहाँ पे 20 वोल्ट की हीट है। तो जब यहाँ से क्या होगा, ये फिलामेंट्स है, इस फिलामेंट से जैसे ही हीट यहाँ से ट्रांसफर होगी तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा ग्रिड हो गया। ये ग्रिड का काम होता है कि हमारे जो जो करंट आ रहा है, जिस चार्ज में करंट आ रहा है उस चार्ज के अपोजिट काम करना। ये यहाँ पे न्यूट्रल होता है पहले, यदि हमारा चार्ज है यहाँ से निगेटिव आया है, निगेटिव आने के बाद तो ये ग्रिड है ये पॉजिटिव हो जाएगी। पहले ये निगेटिव होती है, निगेटिव रहेगी तो इससे क्या होगा कि हमारा चार्ज निगेटिव आया तो रिपल्स कर जाएगी और हीट आ प्लेट एनोड आया। प्लेट एनोड का काम होता है जो करंट आया उसे हाई फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करके हमारे पेशेंट सर्किट पर पास ले जाना। तो सर्किट का भी काम होता है हाई फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करना करंट को। जैसे ही हमारा करंट यहाँ पे एम से एन पे आया, यहाँ पे जो कॉइल्स हैं वो नंबर्स ज़्यादा है, यहाँ पे कॉइल्स का नंबर्स कम है और यहाँ पे भी नंबर्स कम है। तो यहाँ पे होगा क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा जिससे कि यहाँ पे इंड्यूस होने लगे करंट, तो करंट का फ्लो यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ से क्या करेगा, ये करंट इंड्यूस होने की वजह से ये अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में ग्रिड के पास करंट जाएगा। ग्रिड पे क्या है, पहले से यहाँ न्यूट्रल होता है, जैसे अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाएगा तो ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज फ्लो देगा। नेगेटिव चार्ज देने की वजह से तो यहाँ का चार्ज और यहाँ का चार्ज रिपल्स करने लगेगा। रिपल्स करेगा तो ये आगे से करंट को फ्लो नहीं करने देगा। हमेशा जब हमारे करंट आगे फ्लो नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज रिपल्स कर देगा, रिपल्स होने की वजह से आगे नहीं जाएगा करंट। जब आगे नहीं जाएगा तो यहाँ से स्टॉप हो जाएगा, यहाँ का है तो आगे नहीं जा, तो इसलिए हमें क्या करना है, फिर से यहाँ क्या होगा, ट्रायोड वाल्व जो हाई फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट हो रहा था करंट वो फ्लो नहीं होगा। फ्लो नहीं होगा तो ऑसिलेटर पर जो सर्किट है, ऑसिलेटर कैपेसिटर है, जो कैपेसिटर है वो क्या करेगा, धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगेगा, डिस्चार्ज होने लगेगा। बट क्या होता है, इसकी सेल्फ इंड्यूसिंग एक पावर होती है, सब अपने पास खुद कुछ करंट को सेव करके रखता है, उस करंट से हम फिर से काम चलाता है। पर क्या होगा, थोड़ी देर वो काम करेगा और वो काम करेगा थोड़ी देर, फिर उसके बाद वो डेड हो जाएगा। डेड हो ना हो कैपेसिटर उसे बचाने की कोशिश करता है और खुद को डिस्चार्ज कर लेता है। जब कैपेसिटर खुद को डिस्चार्ज कर लेगा तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा, जिससे कि डिस्चार्ज होने से जो यहाँ का करंट था वो जो अपोजिट डायरेक्शन में गया था वहाँ से ये फिर से अपनी डायरेक्शन में आ जाएगा, करंट फ्लो हो जाएगा अपनी डायरेक्शन में। अपनी डायरेक्शन में करंट फ्लो होने की वजह से क्या होगा, जो यहाँ पे निगेटिव चार्ज है वो फिर से पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ से करंट फ्लो फिर से होने लगेगा। तो इससे क्या होगा, हमारा जो कैपेसिटर है वो भी बच जाएगा और हीट का रेगुलर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। मीन्स जो पेशेंट को हमने SWD मशीन यूज़ की हुई है वो उसे रेगुलर हीट जब मिलती रहेगी तो उसके टिश्यू में क्या होगा, वार्म हो जाएंगे टिश्यू और बर्निंग के चांस हो जाएंगे। तो इससे क्या होता है, कैपेसिटर्स अपने आप को ही डिस्चार्ज कर लेता है, इससे इतनी हीट प्रोड्यूस नहीं होती है और पेशेंट को वार्म कम फील होती है। तो जिस हमारा जो ये सारा प्रोसेस होता है ये SWD मशीन में होता रहता है, बीच में कैपेसिटर बंद होगा चालू होगा, बंद होगा चालू होगा, तो इससे हीट एक पल्स मोड में फ्लो होती रहती है, तो इससे हमारी हीट का प्रोडक्शन होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।